नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह और मैं अनिल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सराज के छतरी गतू में कार हादसा, दो सगे भाइयों समेत जीजा की मौत। किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली, सनोली मजारा से ऊना होते हुए हरोली तक किया प्रदर्शन। सीटू के नेता बोले, कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। मौसम ने बदली करवट, बारिश के साथ ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी। 26 फरवरी तक बनवाएं वोट, धर्मपुर और टुट्टू सहित चौपाल ब्लॉक में होने हैं पंचायत प्रधान पद के लिए चुनाव। दो नेपालियों से 4 किलो अफीम पकड़ी, ठियो के गजेड़ी में पुलिस ने धरे नशा तस्कर। धर्मशाला में बनेगा मिशन रिपीट का रोड मैप, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 17 से, पंचायतों के बाद अब नगर निगम के चुनाव पर फोकस। किसानों के समर्थन में उतरी हिमाचल कांग्रेस, 25 को सोलन में होगा राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। बिजली कंपनी के निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे कर्मचारी, प्रदेश भर में किए प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जिला मंडी के छतरी गतू में दर्दनाक कार हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में 3 लोग सवार, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे सवार ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 सगे भाइयों समेत जीजा की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ऊना जिला में भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। सीटू और ऑल इंडिया किसान संगठन के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली के दौरान दर्जनों ट्रैक्टर और इसके अलावा बाइक और अन्य वाहन भी शामिल हुए। जिला मुख्यालय के सीमांत गांव सनौली मजारा से शुरू हुई ये रैली कस्बा महतपुर ऊना होते हुए हरोली उपमंडल मुख्यालय में सम्पन्न हुई। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं रैली के आयोजक और सीटू के जिला सचिव कामरेड गुरनाम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि के संबंध में लागू किए गए ये 3 बिल हर हाल में वापस लेने होंगे। विधेयक वापसी से कम प्रदर्शनकारियों को कुछ भी मंजूर नहीं है। आज जिला ऊना में जो कृषि कानून है, 3 कृषि कानून है, केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती लाए गए हैं, उसके विरोध में पूरे जिला में जो किसान इकट्ठे होकर अपनी रोष रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि कृषि शोध बिल के जो किसानी के 3 कानून बनाए हैं केंद्र सरकार ने, और उसके बाद जो मजदूरों के 44 लेबर कानून है उनका 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है। केंद्र सरकार हिटलर शाही की जड़ी अपना नीति बनाते हुए सारे देश को जो है गुमराह कर रही है, और जहां तक कि जो किसानों को जो डेथ वारंट दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ जिला ऊना में जो है किसान निकल कर आज रोष रैली कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो हिमाचल के लोग जो है जिला ऊना से लोग बड़े ज़ोर से इकट्ठे हो गए जो है दिल्ली जाएंगे, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ विरोध करते हुए अगर गिरफ्तारियां भी देनी पड़ेगी तो गिरफ्तारियां भी देंगे। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 महीने से ज्यादा अंतराल के बाद बुधवार को ऊपरी जिलों में हल्की बर्फबारी हुई। शिमला के समीप लगते कुफरी नारकंडा में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि राजधानी शिमला में थोड़ी देर के लिए हिमवृष्टि भी हुई। इसके बाद मौसम साफ हो गया। वहीं राज्य के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला के ऊंचे क्षेत्रों में बुधवार को हिमपात हुआ। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार को भी मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में 3 ब्लॉकों में पंचायत प्रधान पद के लिए चुनाव होने बाकी हैं। इनमें मंडी जिला का धर्मपुर और शिमला जिला का टुट्टू और चौपाल ब्लॉक शामिल हैं। इन ब्लॉकों में प्रधान पद के लिए चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में इनमें मतदाता सूचियां भी दोबारा से बनाई जानी है। राज्य चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी तक इन 3 ब्लॉकों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा। वहीं नगर पंचायतों के लिए भी लोग 26 फरवरी तक वोट बनवा सकते हैं। शिमला पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने ठियो के समीप गजेड़ी से 2 आरोपियों से 4 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। भाजपा सरकार को प्रदेश की सत्ता पर पुनः काबिज करने यानी मिशन रिपीट का रोड मैप धर्मशाला में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में तैयार किया जाएगा। प्रदेश के दूसरे महत्वपूर्ण शहर धर्मशाला में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 17 से 19 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। पंचायत चुनावों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है और अब नगर निगम पर पार्टी का फोकस है। ये बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान धर्मशाला में कही।
कश्यप ने कहा कि प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। अब प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी भाजपा बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है। और दूसरा जो मेरा आने का आज का प्रयोजन है वो हमारी प्रदेश कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक आगामी 17-18-19 तारीख को धर्मशाला में आयोजित होगी, जिसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, श्री शांता कुमार जी, श्री धूमल जी और प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और 2017 के प्रत्याशी, जिलों के अध्यक्ष और मंडलों के अध्यक्ष, ऐसे करके सभी लोग सम्मिलित होंगे और आने वाले समय के लिए मंथन किया जाएगा। और जब हम लक्ष्य लेकर चले कि 2022 में सरकार हमारी फिर से रिपीट हो, हमारी सरकार बने, उसका रोड मैप तैयार किया जाए। इसके अलावा सर, बात की जाए तो कॉरपोरेशन के चुनाव जो है अब आने वाले हैं, कितनी तैयार है भाजपा? उसको लेकर भी मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। अभी पंचायतों के चुनाव में हमने क्लीन स्वीप किया है और अभी 4 जो कॉरपोरेशन के चुनाव है उसमें धर्मशाला है, पालमपुर है, सोलन है, मंडी है, चारों जगह हम इसी प्रकार से जीत का परचम लहराएंगे। और निश्चित रूप से कांगड़ा जिला में हमारे जो 2 कॉरपोरेशन हैं उनको हम विजय करेंगे, उसकी दृष्टि से भी हम यहाँ बैठक भी करने वाले हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसको हम जीतेंगे और इतिहास बनाएंगे कि हम 4 कॉरपोरेशन भी जीतेंगे। पंचायतें हमने जीती है, उसके बाद शिमला कॉरपोरेशन को भी जीतेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब प्रदेश में भी तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस ने भी अब 25 फरवरी को सोलन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित प्रदेश कांग्रेस के विधायक, पार्टी पदाधिकारी, सभी फ्रंटल संगठनों के मुख्य और पदाधिकारी भाग लेंगे। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि देश में अन्नदाता काले कानूनों के विरोध में सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उन किसानों की जो अपमान कर रही है उसे कांग्रेस कभी नहीं सहन करेगी। दिस न्यूज ब्रॉट टू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन। बिजली के निजीकरण को लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर प्रदेश भर में विंग, वृत्त एवं मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन कर बिजली कंपनियों के निजीकरण का विरोध किया। बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों व अभियंताओं ने भी बिजली कानून 2021 का धरना प्रदर्शन के माध्यम से जोरदार विरोध किया। इस अवसर पर यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 के अधीन बिजली बोर्डों के विघटन के बाद बिजली कंपनियों की खराब स्थिति से सबक न लेते हुए इसके विपरीत बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देने के लिए अड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा संसद के चालू बजट सत्र में अब बिजली संशोधन बिल 2021 ड्राफ्ट लाया गया है, जिससे कर्मचारियों व अभियंताओं में भारी रोष है।